Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो क्या हाल है आप सबके? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो ये जो व्लॉग है द लास्ट डे ऑफ रमजान, ये कुछ वक्त बाद आ जाएगी, मतलब कल तक इंशाल्लाह आ जाएगी। आज 29th ऑफ रमजान है, कल लास्ट रमजान रहेगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं एंड करूंगा जब ईद का चांद दिखेगा इंशाल्लाह, यहाँ पे ये वीडियो एंड होगी। तो फिलहाल के लिए आज है 29th ऑफ रमजान और आज मैं एक अच्छी खासी ब्लॉगिंग शूट करने वाला हूँ। जैसे कि अभी मैंने हेयर कटिंग कराया, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है थम्स अप करो। और इसके बाद मैं जा रहा हूँ अभी कब्रिस्तान जाने के बाद वहाँ का भी थोड़ा बहुत वीडियो शूट करना है। एंड सर, आप सभी को बोलूँगा कि रमज़ान में आप सबने सबने कुरान शरीफ पढ़े होंगे और रमज़ान में नमाज को, कुरान शरीफ को फॉलो किए रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो अल्लाह आप लोग को ऐसी हिदायत बख्शे और आप हमेशा नमाज कुरान पढ़ते रहें। ओके, सो अभी जो है इतनी सारी बातें मैंने कह दिया, तो अभी जो है फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं कब्रिस्तान और जस्ट वेट एंड वॉच। आज की ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला है, ज्यादा मीम्स वगैरह नहीं होने वाले, जो भी रहेगा चलो दिखा दूंगा आज। ओके, सो इंट्रो। गाड़ी निकालो फिर अरमान ब्रो, उधर के निकालो भाई, उधर के निकालो। बोला था उधर के निकलेगी भाई, अकेले निकाल लोगे गाड़ी को? चलो निकाल के दिखाओ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है। अरे भाई, अरे आराम से आराम से आराम से, इतना जुनून जुनून में मत आओ भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं और पानी भरा हुआ है। और ये पेड़ देखो, यहाँ पे तो 8 फीट का हो गया है पेड़ बढ़ते बढ़ते। अरमान भाई भी आ गए, चलो अरमान भाई आओ जल्दी जल्दी, फातिया पढ़ना है। ये स्कूटी इतनी ख़राब है, इसका जो साइड का ये जो है ना पैडल ही निकलता ही नहीं है, इसको मैंने निकाल रहा था ऐसे करके और ये देखो क्या हो गया। खैर कोई बात नहीं, गोवंडी का राइडर हूँ, आओ कुछ बातें करें। ओनली स्टेशन, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। वीडियो ऑन किया क्या? वो तो नहीं दिख रहे, नहीं दिखेगा थोड़ा आगे ऐसा, आगे सेल्फी का भी कैमरा दिखाओ थोड़ा, ऐसा नहीं यार। नहीं तू तो लिया है जगह, मतलब वीडियो मैं तो लिया हूँ हर जगह। ये गंदा था नहीं, तुम मना डाले सो। पनवेल वाले ना दूर रहते अरमान भाई, मालूम क्या? पनवेल वाले बहुत बड़े दूर रहते हैं, कुछ लोग यहाँ भी दूर रहे। देखो अरमान भाई को छोड़ देंगे, बाकी पनवेल दूर रहते। Emotional damage. अभी हम लोग आए हैं कबर बाजार। The next day. तो finally guys, आज the last day of रमजान आ चुका है। आज 30वां रोजा है और मैंने, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह 30 के 30 रोजा रखा कि मैंने छठी से, जब मैं 6th standard में था, आज मैं 15th में जाने वाला हूँ प्रमोट। लगभग 9 साल का ड्यूरेशन है, तो 9 साल में मैंने एक भी रोजा नहीं छोड़ा, एक बस खाली तोड़ा था मैंने, वो भी 6th standard में तोड़ा था, तो वो कुछ वजह थी उस वजह से। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से कभी मैंने रोज़ा ना तोड़ा, ना ही गफलत में छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सब रोज़ा रखे रहेंगे, और जो लोग नहीं रखे रोज़ा, तो बस यही दुआ है कि भाई आप लोग भी रोज़ा रखो। ये साल अगर आप नहीं रख पाए, एक दो रोज़ा छूट गया, तो उसका कफ़ारा निकालो, बाकी अगले साल कोशिश करो कि आप लोग अच्छी तरीके से पूरा रोज़ा रख पाए, ठीक है। तो कल होने वाली ईद, तो आज मैं आप लोग को सिर्फ इतना दिखाऊँगा कि आज इफ्तारी खोले हम लोग, आखिरी इफ्तारी, एंड लास्ट में क्या क्या बन रहा है घर पे, और चांद रात है आज जैसे कि, तो चांद दिखा दूंगा। एंड फाइनली ये वीडियो वहाँ तक एंड हो जाएगी, होप सो जहाँ तक कि आपने वीडियो देखी आई तो आपको मज़ा आया होगा। और द लास्ट डे ऑफ रमज़ान बस मैं एक यादगार के लिए बना रहा हूँ, आप लोग भी देखो, मज़ा करो, अपने दोस्तों को भी और अपने दोस्तों को भी भेजो। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो है मैं अपनी एक वीडियो भी शूट करने वाला हूँ, ये वीडियो रहेगी मिस्टर बीस्ट पे, तो एक रिएक्शन वीडियो रहेगी, बहुत मज़ा आएगा देखने के बाद। आप लोग अंसारी हसनैन 92 वाले चैनल पे आकर के मेरी वाली भी रिएक्शन वीडियो देख सकते हो। तो अभी उसकी स्क्रिप्टिंग चालू है, अभी वो शूट करूंगा मैं और उसके बाद फिर वीडियो अपलोड हो जाएगी। जस्ट स्टे ट्यून्ड गाइस, वीडियो देखो, मजा करो, मस्ती करो, बहुत मजा आने वाला, जस्ट देखते रहो। चलो 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 चलो। तो माशाल्लाह लजीजदार यहाँ पर मकेन फ्राइज बन रहा है, मतलब तला जा रहा है,
ओहो चीज़ बॉल्स, मकेन आलू बाइट्स, आप भी लाओ खाओ। और ये भजिया बना है यहाँ पे, जो कि रोज़ाना बनता ही है इफ्तारी में, और मकेन यहाँ पे बन के तैयार है गरम गरम। इसको तोड़ता होगा, इसको मुँह फोड़ता होगा, कैच कैच मारो इसको, हाथ गंदा हो गया यार, धोना पड़ेगा फिर से। चलो ये जो चना इस तरह मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह चना आप भी खाया करो, उससे क्या होता है ना, पेट का जो आज़ा रहता है ना वो बहुत मजबूत रहता है, और जो हाजमा होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ओके तो आप भी खाओ। तो अभी ये रमज़ान का आखिरी, रमज़ान का आखिरी नमाज जो है वो असर की नमाज है, और मैंने वो अभी अदा कर लिया हूँ, और अफ्तारी के लिए बस कुछ वक्त ही बचा है, आई थिंक कि आधा घंटा ही बचा है, उसके बाद फिर अफ्तारी करने चले जाएंगे, ये रमज़ान की आखिरी इफ्तारी। इसके बाद फिर चांद देखेंगे, ईद का चांद, एंड फिर कल होगी ईद इंशाल्लाह। हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ़ यू, एंड ईद की भी एक बहुत अच्छी खासी व्लॉग आएगी। ये है आखिरी रमज़ान का आखिरी इफ्तार, और भैया कुछ कहना चाहेंगे? तो ये है आखिरी रमज़ान का आखिरी इफ्तार। अरे भाई उस तरफ मत बैठो, अजान का टाइम है, अजान सुनने के लिए बैठा हूँ। तो उधर उधर फिर ऊपर जाओ, एकदम ऊपर जाओ, फिर बहाना मत ढूंढो। चांद दिखेगा तो बताओ, ईद का चांद। अलविदा रमजान, हम दो रमजान को यहाँ बैठे थे, दो रमजान को, और आज तीस रमजान हो गया। वक्त इतना फास्ट निकल गया, पता नहीं चला। अल्लाह का शुक्र है, ना जाने अगला रमजान किसे नसीब हो और किसे ना हो। हकीकत है, बेशक कोई जान नहीं है, बेशक अल्लाह तेरा शुक्र है। अजान हो रही है, अजान हो रही है, इफ्तार खोल सकते हैं, हो रही है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शायरी याद आ गया आपने जो लफ्ज़ बोले अब्बा भी, अगला रमज़ान किसी को नसीब हो ना हो, आगा अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामा है 100 बरस की पल की खबर नहीं। आज फिर चांद देखने खड़े हुए हम लोग, लेकिन यहाँ पे चांद दिख ही नहीं रहा है। जिस तरह से मेरे को रमज़ान के लिए चांद नहीं दिखा था, आज ईद के लिए भी चांद नहीं दिख रहा है। अरे कितना गौर से देखूं, पातला ही चांद होता, गौर से देखना पड़ेगा। पातला नहीं होता, पतला होता। पातला भैया काय भाई, मेरे को नहीं दिखा पाए। अबे देख ये दो बादल के बीच में देख। अरे भाई नहीं दिख रहा भाई, कान में दिखा दे रहा हूँ। वीडियो में दिखा, वीडियो में दिखा 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 दिखा। अरे चांद मुबारक भाई, चांद मुबारक भाई, चांद मुबारक। चलो दिख गया चांद, माशाल्लाह। अरे हाँ दिख ना भाई, चांद दिख गया माशाल्लाह। ईद तो गुड है, अभी से आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक, बाल कटाना है भाई। हाँ तो बाल कटा लीजिए मेरे ऐसे, तुम स्मार्ट एकदम साफ दिख रहा ना ब्रो। आप एकदम क्लियर दिख रहा भाई, एकदम साफ दिख रहा माशाल्लाह। चांद दिखा हुआ ऊपर चांद और नीचे अमावस। कौन अमावस भाई? क्या चलो माशाल्लाह भाई, चांद दिख गया। चांद मुबारक आप सबको, नेक और जायज तमन्ना अल्लाह आप सबकी पूरी करे इंशाल्लाह। बहुत खुश हो यार, चांद दिख लिया, दिल खुश हो गया। अहमद भाई अहमद नवाया, शेर है सोल अहमद नवाया।